हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ची स्पेशल। आज हम देखने वाले हैं एक रेसिपी, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे किचन में। तो चलो किचन में हम चलते हैं और देखते हैं क्या है वो रेसिपी। आज की जो रेसिपी है वो है एक महाराष्ट्रियन रेसिपी, दाल बट्टी। इसे राजस्थान में दाल बाटी कहा जाता है, लेकिन फ़र्क ये है कि दाल बाटी जो है वो रोस्टिंग मेथड से की जाती है, और यहाँ पे जो दाल बट्टी है इसे हम फ्राइंग मेथड से करेंगे। और कैसे इसे बनाएंगे ये हम जल्द ही देखने वाले हैं। बस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। बट्टी के लिए हम जो भी आटा लेंगे वो थोड़ा जाड़ा और खुरदुरा पीसा हुआ आटा लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप रेगुलर आटा लेके उसमें एक कटोरी सूजी भी मिला सकते हैं। थोड़ी जाड़ी वाली सूजी आपको लेनी है। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक और थोड़ा अजवाइन। फिर इसमें मैं डालूंगी खाने का ऑयल, बहुत थोड़ा सा हमने डालना है। ये सब चीज़ें अभी हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जैसे आटा गूंथते हैं वैसे हमने ये गूंथ लेना है। जैसे पूरियां बनाने के लिए हम आटा गूंथते हैं थोड़ा सा गाढ़ा, कुछ उस तरह से हम ये भी आटा गूंथ लेंगे। हल्दी की वजह से इसको एक येलोइश शेड आ जाएगी। तो बस ये एक डव हमने बना लिया है। ये डव बनने के बाद हमने इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। आप इसे ढक के रख सकते हो या फिर आप पहले उस पर कपड़ा डाल के फिर उसको ढक के रख सकते हो। 15 मिनट 20 मिनट हमने ऐसे ही छोड़ा है। अभी ये 15-20 मिनट हो चुके हैं। अभी इस पर मैं थोड़ा ऑयल लगाऊंगी और फिर से एक बार इसे अच्छे से गूंध लूंगी। ये अभी बहुत ही मुलायम बन चुका है। अभी हम बनाएंगे बट्टी। इसके लिए हमने एक थोड़ा सा आटा लेना है और उसकी एक रोटी बनानी है एक्चुअली हमने। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा ऑयल, यहाँ पे हमने सूखा वाला आटा नहीं लेना है ऊपर से लगाने के लिए। जब भी लगाएंगे हम थोड़ा ऑयल ही लगाएंगे। अभी ये रोटी मैंने बेल ली है अच्छे से। ये जो रोटी है ये थोड़ी जाड़ी रोटी रहेगी इस तरह, और फिर इसमें मैं लगाऊंगी एक लेयर ऑयल की। फिर इसने हमें अच्छे से रोल कर लेनी है, और ये रोल करने के बाद इसमें दो पीसेस करूँगी और एक पीस के अच्छा सा एक गोल पेड़ा में बना लूँगी कुछ इस तरह। किसी भी डायरेक्शन में हमने इसे गोल नहीं बनाना है, इसकी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर रहेगी कुछ इस तरह। बस ऐसे ही हम इसे अंदर की तरफ मोड़ के इसका अच्छे से एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे राउंड शेप में। तो पूरे आटे का मैंने अभी यहाँ पे इतने सारे पेड़े बना लिए हैं। उसके बाद हमने आगे की प्रोसीजर करनी है। उसके लिए मैं कढ़ाई में थोड़ा पानी ले रही हूँ। पानी इसलिए क्योंकि मेरे पास जो स्टीमर है वो स्टीमर टप्परवेयर का है, तो वो कढ़ाई में थोड़ा पानी लेके उसमें हमने वो स्टीमर रखना पड़ता है। ये जो लाइन है उतने लाइन तक मुझे वहाँ पर पानी कढ़ाई में चाहिए होता है, तो मैं वो लेवल मेंटेन करके पानी डाल रही हूँ। अभी उसमें मैं जो कंटेनर है उसको थोड़ा ऑयल लगाऊंगी ताकि वो बट्टियाँ उसको चिपके नहीं, और वो सारी बट्टियाँ या जो पेड़े मैंने बनाए थे तो वो सब मैं यहाँ पे रख दूँगी। उसके बाद उस पर और एक कंटेनर है मेरे पास डबल डेकर टाइप्स, तो मैं वो उस पर रख के उसमें भी मैंने ये सारे पेड़े जो है वो रख देने हैं फॉर स्टीमिंग प्रोसेस। अभी इसको अच्छे से हम ढक लेंगे। 15 मिनट इज़ सफिशेंट फॉर दिस। सो फुल फ्लेम पे हमने इसे स्टीम होने देना है। 15 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे और नाइफ़ की हेल्प से हम देखेंगे वो अंदर से पक गए हैं या नहीं। देखो नाइफ़ एकदम क्लीन बाहर निकली, इसका मतलब ये अच्छे से बन गए हैं। तो बस हम थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे और एक एक करके उसे हम फिर अभी बाहर निकाल लेते हैं। अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अभी इनके हमने अच्छे से पीसेस बनाने हैं। पीसेस दो टाइप्स के बना सकते हो आप, आइदर ट्रायंगुलर शेप यानी 4 पीसेस एक एक पेड़ा जो है उसका आप बनाओगे, या फिर कुछ इस तरह से ओवल शेप में भी आप बना सकते हो जैसे आपको पसंद है। तो मैंने ये इस तरह से बना लिए हैं।
आप देख सकते हो जो रोटी हमने बेली थी उसकी वजह से और जो रोल किए थे उसकी वजह से एक अच्छे से लेयर्स उसमें रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे ऑयल गर्म करके हम उसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई हमने करना है। आप ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी चॉइस हो, दोनों भी टेस्टी लगते हैं, दोनों की एक अलग टेस्ट है। मुझे ऑयल में पसंद है तो मैं यहाँ पे ऑयल में डीप फ्राई कर रही हूँ। और इसे हमने कॉपर गोल्डन शेड में पूरे इसको तल लेने हैं। आप ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो उसे ज़्यादा कॉपर कर सकते हो, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आपको पता ही चलेगा कुछ इस तरह हो गए तो भी आप उसे बाहर निकाल सकते हो। तो ये आपकी चॉइस रहेगी आपको किस तरह के ये जो बट्टियाँ है ये चाहिए। तो ऑलमोस्ट मुझे ये ऐसे पसंद है तो मैं इसे निकाल रही हूँ बाहर। आप देख सकते हो इनकी लेयर्स जो है वो बहुत अच्छे से हमने बनाई है, वो रोटी बेलने की वजह से ये लेयर्स हमें आई है जो हमने रोल किया था उसकी वजह से। सो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, रेडी टू सर्व। तो ये जो रेसिपी है महाराष्ट्रियन बट्टी जो हमने आज बनाई है, इसे बिना तड़के की दाल और बैंगन की हरी सब्ज़ी के साथ खाया जाता है। और किन किन जगह पे इन बट्टी का चूरमा जैसे यहाँ पे बनाया है वैसे चूरमा करके उसे दाल के साथ भी खाया जाता है।